अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में गुना में किया गया धरना प्रदर्शन। किसान समन्वय समिति ने गुना एसडीएम को दिया ज्ञापन। जी हां, अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति के बैनर तले आज गुना में हनुमान चौराहे से एकत्रित होकर गुना रेलवे स्टेशन पर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने से प्रशासन द्वारा रोका गया, जिसके बाद किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के ऊपर चार पहिया वाहन के द्वारा रौंद कर की गई हत्या के खिलाफ आज 18 अक्टूबर 2021 को अखिल भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। इसी आह्वान पर गुना में भी आज प्रदर्शन आंदोलन करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ज्ञापन के जरिए अनुरोध करती है। नंबर एक, संवैधानिक पद पर बैठे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए को दबाने के लिए ही ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। भविष्य में भी आप इन आंदोलन के जरिए सरकार को चेतावनी देते रहेंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन को ये केंद्र की सरकार ने, ये मोदी सरकार ने किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, मगर ये जिस शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के पैमाने पर किसानों का संघर्ष चल रहा है, गुना में भी ये संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है, संघर्ष करेगा, आखिरी दम तक करेगा। अन्नदाता को सम्मान दो और काले कृषि कानून वापस। आज जो आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय के माध्यम से गुना रेल प्रशासन के लिए, तो क्या आप प्रशासन की तरफ से पूरे संतुष्ट हैं, क्योंकि आज आपको, आप लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है प्रशासन की तरफ से? जैसा हमारे केंद्र के किसान संघर्ष के आदेश थे समिति के, उसी आदेश के पालन पर यहाँ हम रेल रोको अभियान में जब रेलवे स्टेशन की ओर कूच कर रहे थे, तब पुलिस प्रशासन ने हमको वहाँ रोका और आगे नहीं बढ़ने दिया। हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र ही कृषि मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाए और कृषि काले कृषि कानूनों को वापस दिया। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो भविष्य में भी आप आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देंगे सरकार के लिए? चेतावनी लगातार 10 महीने से दी जा रही है, लेकिन ये गूंगी भरी केंद्र की सरकार सुन नहीं रही है और आंदोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। इसके परिणाम मोदी जी को, अमित शाह जी को भुगतना होंगे, योगी जी को भुगतना होंगे।